हे गाइस, दिस इज शिवा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एडवांस्ड इंग्लिश सीरीज की एक और न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में भी नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंसेस को एडवांस्ड इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाएगा, और अपने इंग्लिश सीखने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो गाइस, पहला सेंटेंस है, वो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यानी कहने का मतलब है कि वो बहुत टैलेंटेड है। तो इसे आप नॉर्मल इंग्लिश में कहते हो, ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो इसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हो, ही इज गिफ्टेड, ही इज गिफ्टेड। या आप कह सकते हो, ही इज इंजीनियस, ही इज इंजीनियस। ये स्विमिंग पूल बहुत गंदा है, दिस पूल इज वेरी डर्टी। तो इसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हो, दिस पूल इज फिल्थी, दिस पूल इज फिल्थी। ये बहुत ही रोमांचकारी है, इट्स वेरी एक्साइटिंग। इसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में कहोगे, इट्स एक्सिलरेटिंग, इट्स एक्सिलरेटिंग। ये कमरा बहुत साफ है, दिस रूम इज वेरी क्लीन। इसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में कहोगे, दिस रूम इज स्पॉटलेस, दिस रूम इज स्पॉटलेस। वो बहुत प्यारी है, शी इज वेरी क्यूट। इसके एडवांस्ड इंग्लिश है, शी इज अडोरेबल, शी इज अडोरेबल। सब कुछ एकदम सही है, एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट। इसके एडवांस्ड इंग्लिश है, एवरीथिंग इज फ्लॉलेस, एवरीथिंग इज फ्लॉलेस। मैं बहुत कंफ्यूज हूं, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। इसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में कहोगे, आई एम परप्लेक्स्ड, आई एम परप्लेक्स्ड। ये खाना बहुत खराब है, दिस फूड इज वेरी बैड। इसके एडवांस्ड इंग्लिश है, दिस फूड इज डिस्कस्टिंग, दिस फूड इज डिस्कस्टिंग। मौसम बहुत अच्छा है, द वेदर इज वेरी गुड। इसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में कहोगे, द वेदर इज एक्सलेंट, द वेदर इज एक्सलेंट। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग। इसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में कहोगे, आई वॉन्ट से समथिंग, आई वॉन्ट से समथिंग। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और साथ ही साथ इस बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को कभी मिस ना कर सके। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह से इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू गाइस, बाय बाय।